Find in a GP, third term is 24, sixth term is 192. Find the tenth term. So देखिए हमें third term में दिया हुआ है T3 हमारा is equal to 24 है. So T3 को हम AR square लिख सकते हैं. AR square is equal to 24. ये suppose equation 1 है. And sixth term is 192. So T6 हमारा 192 है. And T6 को हम AR की power 5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 192 के equal है. So हम कर देंगे इक्वेशन 2/1 हम कर दे रहे हैं, सेकेंड वाली में फर्स्ट वाली को डिवाइड कर दे रहे हैं. सो ए आर की पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 192 अपॉन 24 है. सो यहां पर आप देखेंगे तो हमारा आर क्यूब इज इक्वल टू 8 हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे. सो अगर आप फर्दर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो R की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी. एंड फर्स्ट वाली इक्वेशन में R की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे सो हमारा A इंटू 4 इज इक्वल टू हमारा 24 हो जाएगा. सो A की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी. देखिए हमारा A इज इक्वल टू 6 आ गया, R इज इक्वल टू 2 आ गया. अगर आप 10th टर्म निकालना चाहते हैं तो T10 जो हमारा होगा वो A इंटू आर की पावर 9 हो जाएगा. सो देखिए A हमारा 6 है एंड 2 R हमारा 2 है. सो 6 इंटू 2 की पावर 9 होगा जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं. T10 की वैल्यू 6 इंटू 2 की पावर 9 ये वैल्यू हो जाएगी.